नमस्कार दोस्तों, और कैसे हैं आप सब। अब देखो, जब भी है ना फ्लैगशिप किलर्स की बात होती है ना, तो भाई मेरे दिमाग में सबसे पहला जो नाम आता है ना, वो आता है पोको F1 का। भाई लेजेंडरी फोन था वो। मतलब आप सभी को याद ही होगा कि कैसे उस डिवाइस ने अकेले पूरे मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया था, एंड दैट्स वॉट डिफाइंड फ्लैगशिप किलर। फिर पोको F3 GT आया, एंड वो भी सेम ही कॉन्सेप्ट पे था, ऑफरिंग फुल पावर एंड एनहांसमेंट, वो भी 30,000 रुपए के नीचे। और अब फाइनली पोको ने इंडिया में लॉन्च कर दिया है दी ऑल न्यू पोको F4 5G। अब कंपनी का मानना यह है कि पोको की जो F सीरीज की लेगेसी है वो अच्छे से कैरी फॉरवर्ड करेगा ये फोन। एंड अगर आप ऑन पेपर स्पेक्स देखें तो इट्स हार्ड टू आर्ग्यू। तो आइए दोस्तों, ज्यादा वक्त नहीं लेता हूं, चलिए करते हैं इस डिवाइस को अनबॉक्स और डालते हैं पोको F4 5G पे नजर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं टेक की बात, गाइडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले कर लेते हैं फोन को जल्दी से अनबॉक्स। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे पोको F4 का बॉक्स है, एंड एज ऑलवेज सबसे पहले करेंगे हम इसकी अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पे हमारे पास 12 GB रैम विद 256 GB का जो इंटरनल स्टोरेज है वो वाला वेरिएंट है विद द कलर नेब्यूला ग्रीन। और दोस्तों इसमें आपको एक और कलर मिलता है जो कि ब्लैक कलर का है, तो वो है अभी इस बार इन्होंने जो इनका सिग्नेचर येलो कलर है वो नहीं निकाला है। तो इसको दोस्तों अनबॉक्स करते हैं, पोको F4 फर्स्ट लुक ऑन आवर चैनल। ओके, वन मोर बॉक्स टू गो, तो इस पे बाद में आएंगे। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है ये फोन, ऑफ कोर्स द नेब्यूला ग्रीन। इसकी हम ये प्रोटेक्टिव फिल्म हटा देते हैं, तो रख देते हैं साइड में। एंड फ्लैट एच डिज़ाइन आपको यहाँ पे मिल रहा है, पीछे इसके ये वाला स्टिकर भी हटा देते हैं। एंड जो ब्रांडिंग है वो बहुत सटल है, पोको 5G वेरियंट है, कैमरा मॉड्यूल वगैरह भी अच्छे दिख रहे हैं, फ्लैट एच डिज़ाइन है इसमें, और आगे जाकर के आपको बताऊंगा क्या है। सबसे पहले इस बॉक्स में देख लेते हैं आपको क्या मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले है आपके पास सिम इजेक्टर टूल एंड पेपर वर्क वारंटी। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे एक चीज़ अच्छी दी गई है कि आपको USB टाइप सी टू 3.5 mm का जो डोंगल है गेमर्स के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपको मिलती है। उसी के अलावा यहाँ पे आपको एक TPU केस मिलता है, क्योंकि तो अच्छी क्वालिटी का दिख रहा है यहाँ पे। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 67 वॉट का जो चार्जर है वो मिल जाता है। इसकी चार्जिंग स्पीड वगैरह कैसी होगी आपको मैं आगे जा करके बताऊंगा। एंड उसी के साथ साथ एक हाई क्वालिटी का USB टाइप ए टू टाइप सी का जो आपका केबल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इन सब चीज़ों को दोस्तों साइड में करते हैं, एंड यहाँ पे हम कर लेते हैं इस फोन को स्विच ऑन। अब नजर डालते हैं और बात करते हैं पोको F4 5G के बारे में। एंड क्योंकि सबसे पहले दोस्तों परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन, तो यहां पे हम सबसे पहले डालेंगे उसी पॉइंट पे नजर। तो यहां पे आपको मिलता है Qualcomm का Snapdragon 870 प्रोसेसर कपल्ड विद UFS 3.1 स्टोरेज और LPDDR5X रैम। एंड दोस्तों मैंने अभी जितने भी रीसेंट Qualcomm के फ्लैगशिप प्रोसेसर देखे हैं उसमें से ये जो प्रोसेसर है वो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बिकॉज यहाँ पे आपको ज़्यादा हीटिंग नहीं मिलती है, और इसी के कारण दोस्तों जो थ्रॉटलिंग है वो कम हो जाती है, तो आपकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो आपको टॉप नॉच यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और तो और दोस्तों ये प्रोसेसर काफ़ी ऑप्टिमाइज भी है, तो पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू इट्स कंपटीशन। इनफैक्ट अगर आप नजर डालो तो Snapdragon 870 इज द ओनली प्रोसेसर जो एकदम बढ़िया बैलेंस ऑफर करता है परफॉर्मेंस और पावर कंजम्पशन में। मैंने अभी कुछ बेंचमार्क्स रन किए हैं पोको F4 5G पे, एंड रिजल्ट्स आपके सामने स्क्रीन पे है, एकदम टॉप नॉच नंबर्स, एंड हीट बिल्कुल नहीं है। वो इसलिए बिकॉज प्रोसेसर तो बढ़िया है ही, बट पोको F4 5G आता है लिक्विड कूल 2.0 टेक्नोलॉजी के साथ, जिससे जो डिवाइस है तुरंत ठंडा हो जाता है, और यही फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस आपको गेम्स में भी देखने को मिलती है, जहां आपको मिलता है स्मूथर एंड स्टेबल फ्रेम रेट्स। अच्छा, गेमिंग की बात कर ही रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि यहां आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है स्क्रीन पे, एंड यहां पे जो टच सैम्पलिंग रेट है वो 360 हर्ट्ज की आपको देखने को मिल जाएगी। बट दोस्तों सिर्फ गेम ही नहीं, कंटेंट कंजम्पशन के लिए भी पोको F4 5G एक फ्लैगशिप किलर डिवाइस है। मतलब यहाँ पे आपको E4 AMOLED पैनल मिलता है जिसमें आपको 5:1 का जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो देखने को मिलेगा, 100% DCI P3 कवरेज है, और SGS आई केयर के सर्टिफिकेशन तो यहाँ पे आपको मिलती है। बट साथ ही ये जो डिस्प्ले है वो डॉल्बी विजन सपोर्ट के साथ आता है, एंड इसी डॉल्बी विजन को कॉम्प्लीमेंट करता है पोको F4 5G का डुअल स्टीरियो स्पीकर्स जो अपने आप में डॉल्बी एटमॉस भी सपोर्ट करता है। एंड दैट्स नॉट ऑल दोस्तों, जब आपको प्रीमियम कंटेंट जो आप देखते हैं जो कि फुल HD 4K में होता है वो तो आपको यहाँ पे स्मूथ लगेगा ही लगेगा, बट उसके अलावा जो नॉर्मल कंटेंट होता
होता है वो भी आपको यहाँ पे स्मूथ लगेगा थैंक्स टू द MEMC चिप जो आपको इस फोन के अंदर मिलती है। अब दोस्तों इसी के साथ साथ इस डिवाइस में आपको YouTube प्रीमियम भी 2 महीने के लिए फ्री में मिलता है। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं फोन के डिजाइन के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिलता है फ्लैट एजेस विद अ प्रीमियम ग्लास बैक डिजाइन। अगर मैं फ्रंट की बात करूं तो ऑलमोस्ट बेजललेस डिस्प्ले है एंड सेल्फी कैमरा का कट है वो भी काफी ज्यादा स्मॉल है। इनफैक्ट दोस्तों ये जो पंच होल है दिस इज द स्मॉलेस्ट वी हैव सीन ऑन एनी पोको डिवाइस। बैक की बात करें तो यहाँ पे आपको मैट फिनिश मिलता है ओवर द ग्लास बैक जो फिंगरप्रिंट्स अट्रैक्ट नहीं करती है एंड ये सनलाइट में दोस्तों अलग अलग एंगल में थोड़ा अलग ही शाइन करता है जिस वजह से डिवाइस और भी ज्यादा प्रीमियम लगता है। अब साइड्स की बात करूं तो आई पर्सनली प्रिफर फ्लैट एजेस एंड उस वजह से मुझे पोको F4 5G का जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा बढ़िया लगा। बट एडिंग ऑन टू दैट सबसे बढ़िया बात यह है कि डिवाइस काफी ज्यादा स्लिम है। इनफैक्ट एट 7.7 mm ये अभी तक का सबसे पतला पोको डिवाइस है। और दोस्तों फोन पतला है लेकिन उसके बावजूद भी आपको यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है और यहाँ पे IR ब्लास्टर भी है ऊपर। और तो और यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस लीनियर वाइब्रेशन मोटर देखने को मिलता है जिसके कारण जो हैप्टिक फीडबैक है गेम खेलते समय चाहे आप टाइपिंग कर रहे हो चाहे फोन को यूज कर रहे हो फीडबैक काफी ज्यादा बढ़िया है। अच्छा दोस्तों अगर डिवाइस के कलर्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे वो जो नेबुला ग्रीन कलर है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिल रहा है बट इसके अलावा आपको नाइट ब्लैक कलर खरीदने का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं फोन के कैमरा के बारे में। तो यहाँ पे पोको ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ आपको मिलता है एक 64 MP का प्राइमरी कैमरा विद OIS सेंसर। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे मिलता है 8 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर और एक 2 MP का मैक्रो सेंसर। मैंने कुछ कैमरा सैंपल्स क्लिक करे तो है इस डिवाइस से जो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो एंड जो शॉट्स है दोस्तों काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। कलर्स आर नाइस, HDR भी अच्छे से काम करते हैं बट जो हाईलाइट है दोस्तों यहाँ पे वो डेफिनेटली OIS सेंसर है। अब देखो OIS लो लाइट फोटोग्राफी में काफी ज्यादा हेल्प करता है एंड वो इसलिए बिकॉज जब आप लो लाइट फोटोज लेते हैं तो जो OIS होता है वो आपके जो कैमरा के लेंस है उसको स्टेबल रखता है एंड इसी के कारण जब आप फोटो क्लिक करते हैं तो जो शटर है वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम के लिए ओपन रहता है और जो लाइट आती है फोटो जब आप कैप्चर करते हो तो ज्यादा लाइट आती है एंड ओवरऑल जो आपकी फोटो होती है उसमें नॉइज कम होती है एंड इट्स अ वेल लिट नाइट फोटो। एंड जहां तक वीडियोस की बात रही तो पोको F4 5G OIS और EIS दोनों को कंबाइन करता है जिससे आपको मिलता है वीडियो विद ऑलमोस्ट जीरो डिस्टॉर्शन एंड वीडियोस यहां पे आप 4K 60fps तक आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। लास्टली अगर सेल्फीज की बात करें तो यहां पे 20 MP का सेल्फी कैमरा भी बढ़िया परफॉर्म करता है। अब इसके बाद दोस्तों अगर बैटरी की तरफ चले तो पोको F4 5G में आपको मिलता है एक 4500 mAh की बैटरी जो कि एक 7.7 mm के फोन के लिए बहुत ही बढ़िया बात है एंड क्योंकि स्नैपड्रैगन 870 एक काफी वेल ऑप्टिमाइज्ड एंड पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है तो आपका फोन इजीली एक पूरा दिन चल जाएगा। और जब चार्जिंग की जरूरत पड़े तो इस फोन में आपको मिलता है 67 वॉट का सोनिक चार्जर बॉक्स के अंदर एंड कंपनी का दावा है कि दोस्तों आप 50% चार्ज कर सकते हो सिर्फ 11 मिनट में और फोन 100% चार्ज हो जाएगा 37 मिनट्स में। अच्छा बिफोर आई रैप अप एक सॉलिड चीज तो बताना ही भूल गया, पोको F4 5G आता है MIUI 13 बेस्ड ऑन Android 12 पे तो यहाँ पे आपको एक एड फ्री एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है और 5G डिवाइस तो है ही है एंड आपको 10 5G बैंड्स का दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। इसी के साथ साथ कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको ब्लूटूथ 5.2 तो मिलता ही है, उसी के साथ साथ NFC का भी सपोर्ट है एंड नेविक सैटेलाइट फॉर बेटर GPS सपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा पोको F4 5G का फुल ऑन अनबॉक्सिंग एंड द फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो एंड कंपनी कहती है कि दोस्तों पोको इज ऑल अबाउट गिविंग द कंज्यूमर टेक्नोलॉजी दैट मैटर्स एंड डिवाइस देख के एंड थोड़ा बहुत यूज करके तो इट्स हार्ड टू आर्ग्यू। मतलब डिजाइन से लेके डिस्प्ले तक, कैमरा से लेके बैटरी तक पोको F4 5G में सब तो फ्लैगशिप लेवल का है ही है और परफॉर्मेंस के मामले में स्नैपड्रैगन 870 तो मेरा पर्सनल फेवरेट प्रोसेसर है। तो बेसिकली विद द पोको F4 5G यू गेट द स्पेक्स दैट आर मोस्टली नीडेड और इसी के साथ साथ दोस्तों यहां पे आपको एक नहीं बल्कि 2 साल की जो वारंटी है वो ब्रांड प्रोवाइड कर रहा है सो विच इजिली मेक्स इट द बेस्ट स्नैपड्रैगन 870 स्मार्टफोन अवेलेबल राइट नाउ अंडर ₹30,000। एंड ये था दोस्तों हमारा आज का पोको F4 5G का फुल ऑन अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस एंड जितना मुझे ये डिवाइस पसंद आ रहा होगा आई एम श्योर आपको भी दोस्तों उतना पसंद आएगा। तो सारे के सारे दोस्तों जो डिस्काउंट से बैंक ऑफर्स हैं किस प्राइसिंग में ये आएगा आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ अगर आप इस फोन को खरीदना चाहते हैं तो उसके भी लिंक दोस्तों आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे।
वीडियो पसंद आया प्लीज एक थम्स अप जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल जीटी हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, और अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।